था तो वो एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि आज का एजुकेशन का सिस्टम का जो डेफिनेशन है और वो है ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड. What is the meaning? Anybody want to say something? Operation was successful, but patient died. इसका मतलब क्या हुआ? Yes, you all have understood. Graduation, master degree, PhD, all that. Last में करे क्या? Government job नहीं मिल रहा है, all that, right? So basically, I can understand because I am also from Hindi medium background. मैं government school से पढ़ा हूँ. तो बहुत सारे चैलेंजेस हुए लाइफ में. आई वॉज अ मेंटली चैलेंज फॉर द लास्ट 10 ईयर्स एंड बाय गॉड ग्रेस एनी हाउ आई गॉट ऑल द ट्रेनिंग एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर दैट एंड बाय द गॉड ग्रेस टुडे आई मेक ऑल द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट ऑल द नेशनल कॉम्पिटिशन एंड वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप. सो बेसिकली माई वन टारगेट, मेरा एक ही टारगेट है कि मैं बंगाल में बेस्ट ब्रेन ऑफ द पीपल एंड बेस्ट ब्रेंड ऑफ द वर्ल्ड को तैयार करना. कोई दुनिया भर की बातें नहीं, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, कुछ नहीं, एक ही काम है और वो है बेस्ट ब्रेंड को तैयार करना. बिकॉज आज के समय में हम स्वामी विवेकानंद की धरती पे रहते हैं लेकिन जितने भी स्टूडेंट है न तो उनके पास विवेक है ना ही उनके पास आनंद है. उनके पास एक ही चीज है और वो है एक्सप्रेस जो कि फ्री में गिफ्ट में चारों तरफ से दिया जा रहा है. आज पेरेंट्स टीचर अपना ब्लड अपना लीवर अपना किडनी सब कुछ दे दे रहे हैं कि शायद मेरे बच्चे का कुछ हो जाए. बच्चे का कुछ हो या ना हो लेकिन जिसका स्कूल है उसकी जिंदगी में बहुत कुछ हो जाता है. शायद हम अपने बच्चों का कैरियर बनाने नहीं चाहते, जो स्कूल का मालिक है उसका करियर बनाने जाते हैं, राइट? और हम लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि हम लोगों को एक छोटा सा इंजेक्शन देके छोटा छोटा बोतल में पीस पीस में खून हम लोगों का निकाला जा रहा है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव. आज के डेट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिस्ट्री ज्योग्राफी की कमी नहीं है, दुनिया भर के टीचर है, लेकिन कमी है तो ऐसे टीचर्स की जो लोगों में प्यास पैदा कर सके. कोई जरूरत नहीं है कुछ पढ़ाने की. मेरे टीचर ना तो बीएड थे ना डीएलएड थे ना मास्टर डिग्री, कुछ नहीं. ही वॉज क्लास 4 टीचर लेकिन उसने एक काम किया, उसने मेरे अंदर वो प्यास को पैदा किया और कुछ नहीं किया. हम लोग लग जाते हैं रेस में रट्टा मारने में ऑल दैट कि बस पढ़ लो पास हो जाओ 80-90 ऑल दैट और लास्ट में मार्कशीट का क्या होता है पता नहीं, उसका पासबुक भी जीरो हो जाता है. आज के समय में एक ही रिपोर्ट कार्ड है, दैट इज पासबुक. बी प्रैक्टिकल, सब कोई जानते हैं, राइट? सो उस पासबुक को डेवलप करना है तो पहले ये वाले बुक को डेवलप करना बहुत जरूरी है. हमारे यहाँ पे जिंदगी भर यहां से यहां तक की बहुत ट्रेनिंग्स होती है. इसीलिए शादी में देखो क्या क्या डिश बनाया जाता है. कितने लोग ऐसे यहां पे हैं जो कभी इसके बारे में सोच रहे हैं कि हम यहां पे इन्वेस्ट करें कुछ, शायद कभी आइडिया भी नहीं आता. आज के समय में अगर जो मुझे बोला जाए एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव लाना है तो मैं एक बदलाव लाऊंगा और वो है एक सब्जेक्ट ऐसा हो कि जिसमें सिखाया जाए कि एक विचार को आप अपने दिमाग में कितने दिन पकड़ के रख सकते हो और कुछ नहीं सिखाना. एक विचार को कितने दिन पकड़ के आप रख सकते हो, ये काम हो गया, दुनिया का सारा काम हो गया. और हमारे यहाँ पे मैं बहुत सारे टीचर से मिलता हूँ, ज्यादातर मेरा इंट्रैक्शन ज्यादातर स्टूडेंट से होता है. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स टीचर्स है. आज के समय में अगर जिस दुनिया में किसी भी कौम ने रेवोल्यूशन लाया है तो वो है टीचर्स और कोई नहीं. लेकिन आज के समय में टीचर्स को अपनी शक्ति का शायद कोई अंदाजा नहीं होता. टीचर वो बारूद है जो या तो दो तीन नस्लों को बना सकता है या तो उसे उजाड़ के रख सकता है. इसलिए कहते हैं एक बंदूक में जितनी गोली होती है वो उतने लोगों को मारता है, लेकिन एक टीचर अगर दिल से काम ना करे, इंस्पायर होकर काम ना करे तो वो दो तीन नस्लों को मार के चला जाता है. And it's very nice initiative. So definitely, jitna mere se ho sakega, I'll try to help you all. And thank you all. Thank you so much.